चीनी सेना की सीक्रेट यूनिट 61398 जिससे डरते हैं पूरी दुनिया के डेटा बास। भारत के खिलाफ एक्टिव हुई ये यूनिट, इस खतरनाक प्लान को दे रही है अंजाम। चीनी सेना के सबसे सीक्रेट यूनिट 61398 साइबर जासूसी के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है, मगर ये सीक्रेट यूनिट खबरों में इसलिए है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक भारत के खिलाफ इसने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जिसमें देश की संवेदनशील जानकारियों को साइबर जासूसी के जरिए चीन जुटाने में लगा हुआ है। मौजूदा वक्त में डेटा की चोरी किसी हथियार से कम नहीं है। ऐसे में चीन इस तरह के कामों में खास जोर दे रहा है। इसके लिए उसकी सेना के पास बाकायदा एक यूनिट है जो हैकिंग का काम करती है। इस यूनिट का नाम है पीएलए यूनिट 61398। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे कमेंट क्रू, कमेंट पांडा, एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट। सूत्रों के मुताबिक पीएलए के यूनिट 61398, जिसका हेडक्वार्टर चीन के शंघाई के पुडोंग जिले में है, वहां साइबर हैकर्स की मदद से भारत के रक्षा और रिसर्च से जुड़ी अहम जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं। चीन की सेना की स्पेशलाइज्ड यूनिट 61398 के बारे में कहा जाता है कि चीन ने इसका गठन दुश्मन देश के खिलाफ साइबर जासूसी के साथ साथ लड़ाई के दौरान इसके जरिए अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है। यूनिट 61398 के जरिए चीन दुनिया भर में साइबर स्पेस और जियोलॉजिकल इंटेलिजेंस जैसी जानकारियों की लंबे वक्त से जासूसी करने में जुटा है। भारत के खिलाफ भी ये यूनिट काफी सक्रिय देखी जा रही है, जिसको लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। साल 2014 में अमेरिका ने जासूसी के मामले में चीन के 5 मिलिट्री अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। सभी पांचों चीनी अधिकारी यूनिट 61398 से जुड़े हुए थे। अमेरिका की एजेंसियों का मानना है कि यूनिट 61398 की तरह चीन के कई हैकर्स के जरिए दुनिया भर की जासूसी की जा रही है। हैकिंग के लिए चीन ने ऐसी कई यूनिट बना रखी है पिछले कुछ सालों में। आइसबर्ग, हिडन लिंक्स, APT-12 से जुड़े मेलवेयर टूल्स की मदद से साइबर जासूसी की घटनाएं सामने आई हैं। चीन के पुडोंग जिले में एक 12 मंजिला बिल्डिंग से ये यूनिट काम करती है और दुनिया के अलग अलग इलाकों में हैकिंग को अंजाम देती है। इस बिल्डिंग का पता मैंडिएंट नाम की एक अमेरिकी कंप्यूटर सिक्योरिटी फर्म ने लगाया था। साल 2016 में उसने चीनी हैकर्स के बारे में एक 60 पन्ने की स्टडी छापी थी। और इसी में इस बिल्डिंग का जिक्र था। स्टडी में कहा था कि अमेरिका में हुए बहुत सारे साइबर हमलों को ट्रैक किया गया। हर बार हैकर्स का आईपी एड्रेस इसी बिल्डिंग के पास का होता था। इस बिल्डिंग में सैकड़ों लोग काम करते हैं। कहा गया कि साल 2006 से 2013 के बीच कमेंट क्रू ने 140 बार साइबर हमला किया। हालांकि दूसरे साइबर एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये आंकड़ा ज्यादा है। चीनी हैकिंग यूनिट ने हजारों हमले किए हैं। 140 हमले तो वो हैं जो पकड़ में आए। जाहिर है ऐसे में सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चीन की इस सीक्रेट यूनिट से सावधान रहने की जरूरत है। भारत को खासकर अलर्ट रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मौजूदा दौर में भारत का चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है और चीन हर उस कोशिश में लगा हुआ है जिससे वो भारत को घेर सके।